अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरो खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल लाहौर टेक। तो दोस्तों आज मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगा और ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और दिन भी आपकी इस एप्लीकेशन के साथ होता है और रात भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप उस एप्लीकेशन का नाम पहचान गए होंगे। बिल्कुल सही गेस किया दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, अब आप फेसबुक के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो उसी बारे में दोस्तों आज मैं आपको टोटली बताऊंगा कि कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट मैंने बहुत सर्वे किया है और देखा है कि लोगों ने सिर्फ टाइटल डाला हुआ है कि फेसबुक से अर्निंग करने के तरीके, बट उसमें उन्होंने ब्रीफली एक पाथ और वे नहीं बताया हुआ कि कैसे फॉलो करके आप कर सकते हैं अर्निंग, बिकॉज ये हर कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में तो दोस्तों काफ़ी हद तक ही आप लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं, बट मसला सिर्फ आ रहा है कि पाकिस्तान से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मतलब कि पाकिस्तान से अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो उसी बारे में दोस्तों आज मैं आपको उसी बारे में बताऊँगा ए टू जी के किस मेथड को आपने फॉलो करना है, कैसे चेक करना है कि एलिजिबल हैं, कैसे अर्निंग इस पे करनी है। ए टू जी में आपको एक एक चीज़ इस बारे में आज आपको गाइड करूँगा। और बहुत सी वीडियोज़ में लोगों ने सिर्फ एक मेथड बताया हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं एलिजिबल हैं आप। कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो चेक नहीं कर पे। तो दोस्तों आज मैं आपको तीन तरीके बताऊँगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो दोस्तों कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है, तो दोस्तों उसको हम ट्रिक नहीं कह सकते एक तरह का, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम चीट करके अर्निंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक होता है ना कि जैसे कि किसी इंसान को मालूमात ना हो और उसको सही तरीके से गाइड कर दिया जाए, तो आपको वही मैं उस बारे में बताऊंगा कि आपको सही मालूमात दूंगा कि आप कैसे पाकिस्तान में रह के भी उस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड बाकी दो मेथड दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलिएगा, बिकॉज इसमें आपका ही फ़ायदा है। बिकॉज मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और बाकियों से ज़रा हट के प्रोवाइड करना है, क्योंकि टोटली इन्फॉर्मेशन कोई भी इस बारे में प्रोवाइड नहीं कर रहा। स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत मसला बन रहा है और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि फेसबुक से भी अर्निंग हो सकती है। तो मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उस बारे में मैं ब्रीफली इस वीडियो में भी बताता चलूँगा कि उसको खोलने के बाद करना क्या बेसिकली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे ये सुन के कि अब आप फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे लैपटॉप की स्क्रीन, सारी दुनिया स्क्रीन रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर रही है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से हम लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें। एनीवेज दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और गूगल क्रोम को हम लोग खोल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फेसबुक को खोलें आप यहाँ से, ठीक हो गया, फेसबुक को सर्च करें, फेसबुक को खोल लें। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आपने फेसबुक से अर्निंग करनी कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आपका अपना पेज हो, पेज बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। तो जिन लोगों को पेज अगर नहीं बनाना आता है और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इस चीज़ के ऊपर, तो दोस्तों आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको बता दूंगा कि पेज बनाते कैसे हैं। एनीवेज मैंने पहले से पेज बनाया हुआ है, इस नाम से आप देख सकते हैं कि हाल इसके ऊपर मूव कर रहा है। एनीवेज दोस्तों अब बताता हूँ कि आप एलिजिबल कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले उस जो लिंक मैंने तो दोस्तों जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। पहला तरीका वो है कि आप चेक करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों ये लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है इसको खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये खुल रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये आपका इंटरफेस आपके सामने आएगा। घबराना आपने नहीं है इंग्लिश से कि समझ नहीं आ रही ये तो वो। दोस्तों इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मोनेटाइजेशन एड ब्रेक के नाम से लिखा हुआ आएगा। तो नीचे से गौर करिएगा एलिजिबिलिटी के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड गेट स्टार्टेड हेयर। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा, बिकॉज सारा स्क्रीन ही वाइट है तो पता नहीं चलता भाई क्लिक करना कहाँ पे है।
इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी लिखा होगा वहाँ पे, लास्ट लाइन का वर्ड है क्लिक द एलिजिबिलिटी एंड गेट स्टार्टेड हेयर। तो इस पर क्लिक करें, तो जैसे ये खुल के आएगा आपके सामने, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों ये आपको बता देगा कि आपका पेज कितना है, सॉरी आपके पेज का नाम क्या है और आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंट्री मे नॉट बी करंटली स्पॉटेड बिकॉज इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ। बट आप घबराएं मत, इसका ही इसी के बारे में दोस्तों मैंने आपको बात करनी है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, अगर आप पाकिस्तान में रह के भी, तो दोस्तों कैसे यूज़ कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं फेसबुक से। अब दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की अपनी। आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें एड ब्रेक के नाम से, एड ब्रेक। चाहे तो आप स्पेस दे सकते हैं एड ब्रेक के नाम से, पर कोई सा इशू नहीं है, आप लिख दें यहाँ पे एड ब्रेक। और जो पहला लिंक आएगा इस लिंक पे क्लिक करें। यह है सेकेंड मेथड हमारा आप एलिजिबिलिटी चेक करने का, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये पेज अब आपके सामने आएगा, तो सेम देख सकते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज तरीके मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि सेकेंड मेथड ये हो गया। दोस्तों ये है कि आप जाके फिर गूगल पे सर्च करें क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक। दोस्तों पहला लिंक जो आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है, ये है पहला लिंक, इस पर क्लिक करें। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपने जो वीडियोस पोस्ट की होंगी वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रही होंगी, बाकी चीज़ें इनसाइड आप चेक कर सकते हैं। इनबॉक्स किसी ने मैसेज किया हो तो वो देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं तीन मेथड जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पहला वर्क ना करे तो दूसरा, दूसरा और तो तीसरा है वो लाजमी वर्क करेगा दोस्तों। जिन लोगों को मसला मसाइल आ रहा था, उन लोगों के मसले का हल ये है कि तीन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एड ब्रेक बेसिकली है क्या? एड ब्रेक के थ्रू बेसिकली आपको अर्निंग करेंगे आप। ठीक है, आप चाहें तो एग्जाम्पल आप ये क्रिएटर स्टूडियो वाला ऑप्शन खोलते हैं, ये आपके सामने आएगा और साथ में इसका मैं तीन ऑप्शंस और हैं, सॉरी दो ऑप्शंस और हैं आपको बता रहा है कि चेक योर एलिजिबिलिटी। तो पहले दो वर्क ना करें तो तीसरे पे कंपल्सरी ये करेगा, चेक करके देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि एलिजिबल नहीं है बिकॉज कंट्री आपकी पाकिस्तान है, बिकॉज ये स्पेसिफिक कंट्रीज में इन्होंने अवेलेबल दिया हुआ है। तो इस बारे में बात करते हैं, फिलहाल आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करें, वो आपको लर्न मोर पे ले जाएगा। दोस्तों अब आप क्लिक करें इस पे अंडरस्टैंड योर मोनेटाइजेशन रिव्यू स्टेटस पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा होगा नीचे, ये देखें ग्रीन और येलो डॉलर आपके सामने हैं। ग्रीन का मतलब क्या है कि आप, आपकी जो वीडियो है वो एलिजिबल है पैसे कमाने के लिए। आप उसको वीडियो भी कह सकते हैं और कंटेंट भी कह सकते हैं इसको। और जो येलो कलर का डॉलर होगा वो इसका मतलब ये है कि द वीडियो हैज़ बीन रिव्यूड अगेंस्ट, जो आपकी वीडियो है उसको रिव्यू किया गया कि वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया, तो ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ ये है, क्रिएटर स्टूडियो आपने खोला होगा वहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए 10,000 फॉलोअर्स ज़रूरी हैं और 30,000 का ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मिनट्स का आपके पास वॉच टाइम होना चाहिए। इसके बाद ही आपका पेज जो है वो अर्निंग कर सकता है। अब हम मसला सबसे बड़ा, ये इतनी कोई बड़ा टास्क नहीं है, इजीली हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जो आपका व्यू काउंट होगा दोस्तों, जो आपका व्यू काउंट होगा वो 1 मिनट के बाद होगा। अगर एक बंदे ने आपकी वीडियो देखी है और वो 1 मिनट से पहले वो वीडियो को बंद करके चला गया, इसका मतलब क्या है कि वो व्यू काउंट नहीं होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने कंट्री की, पाकिस्तान में रह के कैसे आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सवाल पैदा होता है कि भाई ने कहा था कि पाकिस्तान में रह के कैसे आप फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सीन उसका कुछ ये है कि आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का आपने पेपल अकाउंट यूज़ करना है। बिकॉज़ फेसबुक से अर्निंग सिर्फ और सिर्फ, सॉरी फेसबुक से जो विड्रॉ आप लोगों को होगा दोस्तों वो पेपल के थ्रू ही होगा, और पाकिस्तान में पेपल नहीं चलता। उसका सीन कुछ ही होगा कि आपको कोई फ्रेंड वगैरह है, आपने उसको एडमिन बनाना है अपने पेज का। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर फेसबुक से अर्निंग करनी है तो पेज का होना लाजमी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो दोस्तों आप उसको अपने पेज का एडमिन बनाएं, बिकॉज बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर वो ट्रस्टेड नहीं होगा आप उसको एडमिन बना देंगे, वो बाद में आपको रिमूव कर सकता है। ठीक हो गया, तो आपने उसको एडमिन बनाना है, वो अपनी लोकेशन डालेगा, एग्जांपल यूएसए में है वो,
ठीक है, यूएसए की अपनी लोकेशन डालेगा, विद इन 7 डेज में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी कंट्री अवेलेबल है। तो वो अपना जैसे एग्जांपल आपने $100 कर लिए हैं, ठीक हो गया, जैसे एग्जांपल आप $100 कर लेते हैं, तो आपका जो विड्रॉ होगा पेपैल के थ्रू होगा, वो बंदा रिसीव करेगा वहाँ से अपने पैसे, और आप चाहें तो उसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा सकते हैं, या फिर अगर उसको बंदे का जाने वाला पाकिस्तान में होगा तो आपको जेएस कैश के थ्रू या बाय हैंड आपको पैसे वो दे सकता है। तो यही वो बातें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज बाकी फर्दर वीडियोज़ में लोग आपको इस तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे और बाकायदा एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों आप यहाँ से लाइव भी जा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्रिएटर स्टूडियो चाहें तो अपने सेलफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। iOS में पहले सिर्फ पहले आप इसको iOS में डाउनलोड कर सकते थे, बट अब दोस्तों आप इसको एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं, गो लाइव जा सकते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और मॉनिटाइजेशन का बता चुका हूँ सारा मैं, और ये साउंड कलेक्शन बेसिकली है क्या इस बारे में मैं बताता हूँ आपको कि दोस्तों ये जो साउंड कलेक्शन है बेसिकली दोस्तों जिस तरह यूट्यूब का अपना एक म्यूज़िक था कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों सेम वही है ये कि साउंड कलेक्शन के थ्रू दोस्तों आप उनका अपना म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और इनसाइड में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग देखते चले चले जाते हैं, इनसाइड में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों कि कौन कितने लोग इंगेज हुए हैं, कितने लोग इंगेज नहीं हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें और लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी भाइयों तक पहुँच सके और वो इससे अर्निंग कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।